ये वाकई बहुत दुख की घड़ी है कि अरुण जेटली जी नहीं रहे, और एक बहुत बड़ा सदमा है मैं कहूँगा दिल्ली क्रिकेट के लिए खासकर, क्योंकि वो 13 साल दिल्ली क्रिकेट के प्रेसिडेंट रहे और उनके समय में जितनी तरक्की हुई दिल्ली क्रिकेट में उसका कोई जवाब नहीं है। सारे ही प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिली उनके टेन्योर में, और किसी भी खिलाड़ी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई या कोई भी परेशानी हुई तो हमेशा उन्होंने अपना टेलीफोन लाइन उनके लिए खोल कर रखी, भले ही वो जूनियर क्रिकेटर हो या सीनियर क्रिकेटर हो, कि आपको कभी भी कोई भी तकलीफ़ है, कोई परेशानी है, कोई शिकायत है, आप सीधा मुझे कीजिए। और ख़ुद वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे स्पेशली दिल्ली की रणजी ट्रॉफी के लिए, जब भी लोकल मैच होता था भले ही कितना ही बिजी उनका शेड्यूल हो, वो ज़रूर समय निकाल कर वो मैच देखने आते थे और काफ़ी समय बिताते थे वहाँ मैच देखने में, और साथ साथ प्लेयर से, कप्तान से, कोच से बात करते थे कि कैसे कर रही है हमारी टीम या और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो उनका इतना इन्वॉल्वमेंट था और एक एश्योरेंस होता था प्लेयर्स को कि यस हमारे पास कोई भी परेशानी होगी तो उसका उपाय निकालने के लिए कोई बड़ा है हमारे पास, तो वो एक चीज़ बहुत लाभदायक थी सारे ही दिल्ली क्रिकेटर्स के लिए, जो कि अब सब लोग बहुत बुरी तरह से मिस करेंगे ये। और एज ए एडमिनिस्ट्रेटर उन्होंने दिल्ली क्रिकेट के लिए जितना कंट्रीब्यूट किया उसका कोई जवाब ही नहीं है। आज फिरोजशाह कोटला के जो बिल्डिंग बनी है उसमें भी उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने इस फिरोजशाह कोटला को खड़ा किया, क्योंकि उस पर काफ़ी कानूनी मुश्किलें आ रही थी लेकिन उन्होंने वो सबको दरकिनार करके इस स्टेडियम को कंप्लीट कराने में बहुत बड़ी और बहुत अहम भूमिका निभाई। तो दिल्ली क्रिकेट हमेशा उनको याद करेगा, भारतीय क्रिकेट उनको हमेशा याद करेगा। मैं पर्सनली उनके काफ़ी क्लोज था, मैं रणजी ट्रॉफी का सेलेक्टर था उनके प्रेसिडेंट के टेन्योर में, और वो हमेशा मुझसे एक एक लड़के के बारे में पूछते थे, एक एक लड़के की परफॉर्मेंस पूछते थे, पार्लियामेंट में अपने ऑफिस में बुलाकर मुझे टीम पूछते थे कि क्या टीम ठीक है, कोई गलत तो काम नहीं कर रहा है या कोई सिफारिशी तो नहीं है इस टीम में, तो और हमेशा यही कहा करते थे कि कोई भी सिफारिश वाला प्लेयर इस टीम में नहीं होना चाहिए, अगर आपके ऊपर कोई भी प्रेशर आ रहा है आप उसको मेरी तरफ डाइवर्ट कीजिए और बेक ऑफ होकर आप टीम बनाइए, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी होगी तो मैं उसको टैकल करूंगा या मैं देखूंगा कैसे उनको वो करना है। और ख़ुद भी कभी उन्होंने किसी प्लेयर के लिए ये नहीं कहा कि आप इस प्लेयर को ले लीजिए या इसका कोई सिफारिश कभी भी नहीं करी उन्होंने, तो एक बहुत बड़ी क्लीन छवि थी उनकी और एक फादरली फिगर थे वो सारे ही क्रिकेटर्स के लिए दिल्ली के। जेटली जी हम सबके सबसे लोकप्रिय डीडीसीए के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने खिलाड़ी के लिए इतना कुछ किया, दिल्ली को एक नया क्रिकेट स्टेडियम दिया, बहुत पसंद करते थे क्रिकेट को और सभी खिलाड़ियों को। मुझे याद है जब मैं पहली बारी जूनियर सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बना तब सबसे पहले जेटली सर ने फ़ोन किया था, कहा निखिल मेरे बच्चे किसी भी दबाव में नहीं आना, जो जेन्युइन बच्चे हैं उनको ही मौका देना, कोई तुम्हें तंग करे, कोई किसी किस्म का दबाव डालने की कोशिश करे, मेरा फ़ोन नंबर तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहता है। उन्होंने दिल्ली क्रिकेट के लिए और दिल्ली के क्रिकेट के फैंस के लिए बहुत कुछ किया है। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमने अपना एक सबसे लोकप्रिय खेल प्रेमी डीडीसीए के प्रेसिडेंट को आज खो दिया है।